प्रदीप मिश्रा विवादों में घिर गए हैं। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत काफी नाराज हैं और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संतों ने पुलिस से शिकायत की है। प्रदीप मिश्रा पर आरोप है कि प्रवचन के दौरान कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा का कहीं नाम नहीं है। प्रदीप मिश्रा ने आरोप लगाया है कि और कहा है कि राधा जी बरसाने की नहीं है बल्कि रावल की थी। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ करके राधा रानी से क्षमा मांगे अथवा हमारे साथ आकर के साथ करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। वो राधा कृष्ण को अलग अलग सिद्ध करने में लगा हुआ है। कृष्ण प्रेम मयी राधा, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर ममः। राधा कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। इनकी इन बातों से असंख्य लोगों के हृदय को आघात हुआ है। हम लोग बहुत दुखी हैं। जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ करके राधा रानी से क्षमा मांगे अथवा प्रसिद्ध कथावाचक उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक है। इसके इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं पेन ड्राइव और कुछ स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से। तो मेरे द्वारा एसपी देहात को इस प्रार्थना पत्र की जांच दी गई है और निर्देशित किया गया है कि जो तथ्य उनके द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उनका परिशीलन किया जाए और साक्ष्यों के आधार पर अपेक्षित विधि कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी।